कितनों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो। एक्सक्यूज मी, एक कान के नीचे दूंगा ना तो सारे दांत टूट जाएंगे। ए, ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने जो इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। ए मिस्टर, हाथ में रहो वरना इसकी भी न्यूज बन जाएगी। इज्जत का कचरा करने के बाद अब बचा ही क्या है तुम्हारे पास दिखाने के लिए। क्या कहा था कि हम एक नंबर के गुंडे बदमाश हैं? भूल गई जब उस दिन मैंने तुम्हें उन गुंडे और बदमाशों से बचाया था? तो क्या मुफ्त में बचाया था? पूरे 1000 रुपए लिए थे और बीच सड़क पे छोड़कर चले गए थे। कितने घटिया इंसान हो। तो उस दिन का बदला लेने के लिए तुमने हमें गली का कुत्ता, शराबी, रेपिस्ट, पता नहीं क्या क्या बना दिया। महिला पार्टी के लीडर ने जो हमारे साथ किया था वो कुछ नहीं। तुमसे तो जो भी शादी करेगा ना वो एक ना एक दिन डिवोर्स दे के ही रहेगा। एक्सक्यूज मी, आप तमीज से बात कीजिए, मीडिया की पावर जानते नहीं आप। मैं इसे तमीज दिखाऊं जिसे खुद तमीज नहीं है? तुमको बोल के क्या फायदा? पहले तो उसको मारना चाहिए जिसने तुमको नौकरी दी। अब सुनो, आज शाम को 7 बजे की न्यूज में अपनी सारी गलती मानकर मुझे बेकसूर साबित करना, वरना मुझे असली बदमाश बनने में टाइम नहीं लगेगा। कल की न्यूज पढ़ने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। बढ़िया, समझा देना इसे। बुलाता हूँ उसे। हेलो, जरा गार्डन के पीछे वाली रोड पे आना, कुछ बात करनी है। ओके ससुर जी। क्या हुआ यार? लगता है ससुर जी को इस मामले की भनक लग गई। डर मत यार, लगता है तेरी किस्मत चमकने वाली है भाई। अरे जेल में गया तो क्या हुआ भाई? भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल में ही हुआ था। Correct. सुन मेरी बात, मान ले तेरी किस्मत बदलने वाली है। नो टेंशन, तू जा। हाँ यार, जल्दी जा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सब लोग आ गए हैं? सब आ गए सर। आर्किटेक्ट? हाँ वो भी आ गए। ठीक है, उससे कहो मैं आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है सर। आओ आओ। नमस्ते ससुर जी। जेंटलमैन पार्टी के सेक्रेटरी। ससुर जी आपने यकीन कर लिया? अरे वो तो सब झूठ था, देखना आज शाम की न्यूज में सब कुछ साबित हो जाएगा। मैंने अभी चैनल ऑफिस में बात की। ससुर जी आप भी ना इन फालतू चैनल्स पर भरोसा मत कीजिए, ये तो नकली खबरें बनाते हैं। कहीं तुम्हारा असली चेहरा तो नहीं सामने आ गया? ससुर जी मैं आपको सब बताता हूँ। मेरा इतने बड़े घर में रिश्ता होने की खुशी में मेरे दोस्त पार्टी मांग रहे थे, और तभी दोस्तों ने कहा सिर्फ कोला पीने में वो मजा नहीं है जो माजा मिलाकर पीने में है, तो हमने उसमें माजा मिला दी। अब पता नहीं दुकान वाले ने माजा की जगह दूसरा क्या मिला दिया था, हम सबके सर घूमने लग गए ससुर जी। देखो मुझे ये तो पता था कि तुम शराब पीते हो, पर इतने बड़े झूठे हो ये नहीं पता था। देखो ये सारी जायदाद मेरी बेटी की है, पर इसमें अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं ये कसम खाता हूँ कि मरता मर जाऊंगा पर अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ नहीं दूंगा। ससुर जी आपको अपनी बेटी मुझे नहीं देनी है तो मत दीजिए, पर मेरी इज्जत की धजिया तो मत उड़ाइए। थैंक्स। बटन बंद करो। यकीन कीजिए मेरी कोई गलती नहीं है। चलो एक और मौका देता हूँ तुम्हें, तुम कहते हो ना कि तुमने कुछ नहीं किया, तो ये बात वो रिपोर्टर भी जानती होगी, उसे लेकर आओ, अगर वो तुम्हारी शराफत का सर्टिफिकेट दिखा देगी फिर सोचेंगे क्या करना है। ससुर जी बकवास कर रहा है बे, मैं क्यों जाके उसको सॉरी बोलूं? अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? तू तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है? अबे साले आज के जमाने में 100 रुपए कमाना भी इतना मुश्किल है, और इस महाशय को एक खूबसूरत लड़की के साथ उसकी करोड़ों की जायदाद भी मिल रही है और इसको इतना सा करने नहीं होता। तो तुम लोग क्या चाहते हो मैं क्या करूं? उसे इतना सुना के आया हूं कि अगले 7 जन्मों तक वो मेरी शक्ल नहीं देखेगी, ऊपर से उसे इस बात के लिए मनाना कि मैं शरीफ हूं, नहीं वो तो बिल्कुल नहीं मानेगी। देख बे, अगर लड़की का दिल जीतना हो तो दिल खोल के उसकी तारीफ कर। तू एक काम कर, उसे किसी तरह यकीन दिला कि तुझे अपनी गलती का एहसास है और तू एक अच्छा इंसान है। I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. Hey, देखो पीछे कौन आ रहा है? अरे छोड़ ना, पर वैसे ही हमारा पीछा कर क्यों रहा है? पता नहीं। अरे तुम और यहाँ अब, सॉरी ये बैंगन कहाँ से टपक गया? वैसे तुम दोनों यहाँ कैसे? अब इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो समझे, पिछले 3 दिनों से पालतू कुत्ते की तरह हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? तुम मुझे कुत्ता कह लो या बिल्ली कह लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली तुम बहुत अच्छी हो, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। अपने उसी पाप को धोने के लिए मैं गंगा जी में डुबकी लगा कर आया हूँ विदाउट सोप एंड शैम्पू। अब तो मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। अपने सॉरी को अपने पास ही रखो, उस दिन तो बड़ा धमका रहे थे, आज क्यों तारीफ कर रहे हो? क्या कहा तारीफ?
इनकी तारीफ या तुम्हारी तारीफ? हाँ? अच्छा बताओ कौन सी लैंग्वेज में तारीफ करूं? जिस लैंग्वेज में धमकी दे रहे थे उसी में तारीफ करो। तब तो सिर्फ गालियां ही निकलेंगी। ओके, तुम्हारा चेहरा है जैसे खिलता गुलाब, तुम्हारी आंखें जैसे एलईडी टॉर्च, तुम्हारे होंठ जैसे मिक्स्ड फ्रूट जूस, तुम्हारी बॉडी किसी मॉडल के बॉडी से कम नहीं लगती, तुम्हारी टांगे तो मुझे भाग मिल्खा भाग की याद दिलाती हैं। अगर मैं सच कहूँ तो तुम कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल लगती हूँ, क्यों है ना? कौन कमबख्त ये कहता है? अरे तुम तो देवी हो देवी, और तुम तो एक क्या 10 लोगों के घर एक साथ बसा सकती हो। 10 लोगों का क्यों, कम है क्या? सॉरी, ए फ्लो में कुछ कम निकल गया होगा। तुम्हें पसंद आया कि नहीं पता नहीं, पर तुम्हारी दोस्त बहुत एंजॉय कर रही है। जिंदगी में कभी किसी लड़की की तारीफ मत करना। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ। नैना, मेरी बात सुनो ना। ए नैना, देखो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि एक लड़की के लिए क्या लेकर आते हैं? सॉरी, ये मेरी है, तुम्हारे लिए ये है। अगर किसी फिल्म में ये एक्टिंग की होती ना तो तुम्हें डेफिनेटली बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया होता। अच्छा, वो कैसे? जिस दिन से मिले हो तब से एक्टिंग ही तो कर रहे हो, इसीलिए। आइसक्रीम लाने में कैसी एक्टिंग? तो फिर तुम इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? डर गए कि कहीं फिर से न्यूज़ ना बना दूं? मैं कुछ नहीं करूंगी। जिस दिन से तुमसे मिला हूं मेरी लाइफ की तो बैंड ही बज गई है। मुझे बस तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं। क्या कहा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट? अगर तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो जाकर अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं से भी ले लो। उनके सर्टिफिकेट से ज्यादा तुम्हारा सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब तुम्हारे इस फोन को तुम्हारे पैर समझ के माफी मांगता हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट की वजह से मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। बस एक बार मेरे ससुर जी को कह दो कि मैं निहायत ही शरीफ इंसान हूँ, मेरा काम बन जाएगा। थोड़ा रहम करो ना मुझ पर। अच्छा, इसीलिए तुम 3 दिन से लगातार मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, इसीलिए था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं कहूंगी कि तुम अच्छे हो। मतलब आखिर एक लड़की दूसरी लड़की की दुश्मन कैसे हो सकती है? नॉनसेंस। ए नैना, 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 एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छा कहूँ तो सच में ये साबित करके दिखाओ, फिर मैं कहूँगी कि तुम अच्छे हो, समझे? छोड़ दो मेरे बच्चे को। मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। ये एक साइको किलर है जो किसी भी वक्त उस बच्चे की जान ले सकता है। ये क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। ये फरिश्ता बन के आया और मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू मैडम। आखिरकार हमने उस बच्चे की जान बचा ही ली। एक कैमरामैन की कोशिश से वो किडनैपर पकड़ा गया। कैमरामैन के साथ मैं हूँ नैना, जनश्री न्यूज से। ये चलो जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात तो सुन लो नैना, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब तो तुम्हारी ओपिनियन मेरे लिए अच्छी हो गई है ना? तुम्हारे लिए मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं बनता। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो और क्या कहूँ, तुम कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हो पता है? अभी तक दूसरों के सहारे जी रहे हो। हेलो, माना कि मैं काम नहीं करता पर मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। रोज कितने बजे उठते हो तुम? सुबह सुबह 12 बजे उठ जाता हूँ। उसे सुबह सुबह नहीं, उसे दोपहर कहते हैं। सॉरी। अच्छा बताओ सोते कितने बजे हो? थोड़ा लेट हो जाता हूँ, 8-8:30 बज जाते हैं। तो उस दिन रात को 12 बजे क्या कर रहे थे तुम वहाँ? वो तो वीकेंड था ना, इसलिए। कुछ करते तो हो नहीं, वाइफ को क्या खिलाओगे? इसलिए तो पैसे वाली लड़की से शादी कर रहा हूँ। अच्छा, और अगर वो पैसे भी खत्म हो गए तो? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? वैसे तब मैं नौकरी कर लूंगा। तो वही नौकरी अब क्यों नहीं कर लेते? अभी क्या जरूरत है? मुझे यकीन तो होना चाहिए कि तुम काम भी कर सकते हो। अगर मैं काम करूंगा तो मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे। तो फिर इस जन्म में तो कोई नहीं कहेगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। भूल जाओ। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं काम करूंगा। अभी तुमने ही तो कहा काम करने पर तुम्हारे दोस्त बुरा मान जाएंगे। उन गधों को जो सोचना है सोचने दो, मुझे क्या। पर ये तो बताओ मुझे नौकरी देगा कौन? यस सर, विकी के बारे में बताया था ना, यही है। ठीक है, मैं देख लूं। ओके, तुम निकलो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये मटन बिरयानी भी ना जितनी स्वादिष्ट होती है खाने के बाद तकलीफ भी उतनी देती है। मटन दांत में फंस जाते हैं। मैं रिज्यूमे। नैना ने तुम्हारे बारे में सब बताया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अभी तो आपने कहा कि नैना ने सब बताया है।
पढ़े कितने हो? न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ सर। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ एजुकेशन कितनी है, पढ़ाई कितनी की है तुमने? सर पहले आप कहते हैं नैना ने सब बता दिया है, फिर घड़ी घड़ी ये सवाल पूछ कर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सर? ओके, जितनी चादर होती है हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए, इसका मतलब बताओ। सर जितने बाल हो उतनी ही कंघी करनी चाहिए। इससे पहले क्या काम करते थे? शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था सर। शादी के लिए ढूंढो या टाइम पास के लिए, मुझे क्या? ए, सर मैं पूछ रहा हूँ कि काम क्या करते थे तुम? जॉब जॉब। शादी के फंक्शंस में वीडियो शूट करता था सर। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मीडिया कवरेज करना कोई शादी में खड़े रहके दुल्हा दुल्हन की तस्वीर निकालने के बराबर लगता है तुम्हें? जी सर। इट्स अ सीरियस जॉब, इसमें एडवेंचर होता है, जो भी कवर किया जाता है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, दिस इज मीडिया। सर एडवेंचर तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। वेरी गुड। और डेयरिंग तो मेरे खून में है सर। कल से काम पर आ जाना, तुम्हारी नौकरी पक्की, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू सर। क्या रिया? अच्छा एक बात बताओ। क्या सर? ये क्या लगा रखा है सर? क्या सर? क्या क्या सर? हाँ, तुम्हारे सर के पीछे जो फूल बना रखा है वो क्या है सर? क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहा हूँ, ये तो फैशन है ना। सर ये ले लूं? अरे रे, ये तो मैंने झूठी की है, चलेगा? नहीं सर, ये चाहिए। तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ले जाओ। थैंक यू सर। वेरी गुड। शादी में प्यार कितना जरूरी है, कल इस टॉपिक पे इसी से डिस्कशन करूंगा। लीजिए मिठाई खाइए, जिस चैनल ने मुझे झूठे इल्जाम लगाकर बदनाम किया था उसी ने सामने से बुलाकर मुझे नौकरी दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कल से मैं उस चैनल का एम्प्लॉई बन जाऊंगा। ये बात मेरे ससुराल वालों को बता दीजिए और ये मिठाई भी भिजवा दीजिए। हाँ ठीक है ज्यादा मत उड़। शादी का फंक्शन हो या फिर न्यूज चैनल हो, जहाँ भी काम कर ईमानदारी से करना। हेलो, आजकल पुलिस और पॉलिटिशियन से ज्यादा मीडिया वालों का रौब चलता है, इतना समझ लीजिए। अरे वाह, आखिर अपने भैया से अच्छी नौकरी मिल ही गई तुम्हें। सुना आपने भाभी, ये लीजिए मिठाई खाइए। थैंक्स विकी, लो बेटा। हाँ लेकिन उसके पहले एक महीना टिक कर काम कर, फिर पता चलेगा नौकरी अच्छी या बुरी। जिन लोगों ने तुझे बदनाम किया वही तुझे काम दे रहे हैं, इसका मतलब समझता क्या होता है? आप ना बस चुप ही रहिए, तुम अपने भैया की बातों पे ध्यान मत दो, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक्स भाभी। नमस्कार सर, ये है फर्स्ट लेटर। हाँ, पढ़ो। मेरा नाम रोहिणी है। हाँ। और मैं सकलेशपुर से लिख रही हूँ। अच्छा। सर मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ पर मेरी शादी नहीं हुई है। प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताइए, ये इनका सवाल है सर। देखिए मिस रोहिणी, अच्छा होता अगर आप शादी के बाद प्रेग्नेंट हो जाती, बाकी आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। नेक्स्ट सर। हाँ। ओंटी कोप्पल से रंगना। नमस्कार रंगना। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। हाँ। जब मैंने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, और अब मुझे लगता है कि बच्चा होना चाहिए, तो बताइए मैं क्या करूं? शास्त्रों में लिखा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए शैतान का होना, सॉरी संतान का होना बहुत जरूरी होता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जाओ अपनी बीवी को बनाकर वापस ले आओ, या फिर किसी अनाथ आश्रम से किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो, देखिए बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार, नेक्स्ट प्लीज। मैं हूँ जैन नगर से जगदीश। मेरी बीवी मुझसे 2 महीने बड़ी है, इस वक्त वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, क्या वो पूरे 9 महीने में बच्चे को जन्म देगी या फिर 2 महीने एक्स्ट्रा लेगी, प्लीज मुझे बताइए। देखिए मिस्टर जगदीश, इस समस्या का समाधान आपको चाइनीज कैलेंडर में मिलेगा, बाकी आप कभी ऑफिस आ जाइए, हम दोनों मिलकर बात करते हैं, समझ गए ना? नेक्स्ट। सर लास्ट लेटर। हाँ। सर। हाँ। मेरा नाम है रवि कुमार। हाँ। मेरी शादी को 1 महीना हो गया है, मेरी बीवी मुझे सोने की जगह ही नहीं देती, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखिए अगर आप मैट पे सोते तो कोई बात नहीं, अगर आप बेड पे सोते तो आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, मेरे पास बस यही जवाब है, अबे फाड़ दे उसे। सर लोगों ने इतने प्यार से ये लेटर लिखे हैं। हाँ। तो इन्हें मैं कैसे फाड़ सकता हूँ सर? नहीं फाड़ सकते, बिल्कुल फाड़ सकते हैं। नहीं समझे ना? समझो सर, हम इन लेटर्स को फाड़ सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि इन लेटर्स को हम ही ने लिखा है और हम ही ने पोस्ट किया अपने एड्रेस पर, तुम्हें क्या लगता है कि पब्लिक के पास इतना टाइम है जो ऐसे फालतू सवाल पूछे? मुझे पहले से शक था सर कि ऐसा ही कुछ होगा। सुपर्ब सर। देखो शादी बचाने का पहला उसूल होता है अंदर क्या चल रहा है बाहर पता ना चले, बाकी सब बकवास है। नमस्कार। नमस्कार।